भाई सब लोग चले गए, अब हमारा भी जाने का टाइम आ गया। चलो दीदी भाई बाय बाय। चलो छोटी बाय दीदी बाय बाय, फिर मिलते हैं, खुश रहो, मिलना मम्मी का गी नहीं चलो बाय बेटो बाय। चलो मैं तो ऐसा लग रहा है कि टिकट फिकट कैंसिल कर दिया, फिर आराम कर सही एकदम अंदर थक गया एकदम। तो गाइस अरे कृतिक कहाँ गया, चलो कार्तिक बाय बाय, फिर मिलेंगे। चल बाय घरे, कहाँ से टिकट आनंद यादव पास में पड़े। बाय कार्तिक, सोनाक्षी और अभी क्या नाम है छोटी मिल रही है। चलो छोटी रो दी, अगर गिरा 300 पर और देखो कृतिक को, देखो कृतिक को, देखो कृतिक लिफ्ट बुला लिए क्या? चलो चलो ईशा सामान ले इतना, ये बैग है ना तैयार हो, बैग चल दिए। ये क्या पहन के आए थे क्या? अब इनको याद ही नहीं। ए तुम क्या पहन के आए थे? तुम क्या पहन के आई थी? ये तो और भाग रहा है। चलो साथ नहीं आए, चलो अब तो कल चला जाओ, अब थक गए क्या? चलो नहीं मेरा इसमें कुछ नहीं खाना, बाय 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 कहते। तो हम लोग जब भी यहाँ आते हैं और मसाला डोसा, अरे गिर जाएगी ऋषभ, और रात का समय हमके घर पे जाएंगे, कौन डिनर बनाएगा, इसे डोसा वगैरह खा के चलते हैं। और गर्मी मतलब कि जब भी खाए बहुत गर्मी लगती है, आज गर्मी कम लग रही है ना, सुबह बारिश हुआ था। जाओ बच्चे छपे हैं उनसे पूछो चुस्की कोला क्या होता है। नहीं बिना पनीर वाला खाते हैं, चलो आ जाओ। गर्मा गर्म आ गया मसाला डोसा, खाओ ना क्यों परेशान है, अरे ले लो ना, कीड़ा उड़ा देख के खाना ठीक है, बारिश हुआ है। और इधर ऋषभ जायसवाल सारा खा रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है ना, खाली है। तो गाइस हम अपने घर पे आ गए हैं, और आते ही सारा बर्तन धुला, और पूरा मतलब कि गुड़ मिट्टी तो रहता है, किचन को साफ कर रहे हैं, क्योंकि न रहने पे कॉकरोच कीड़े मटोरे पता नहीं कहाँ कहाँ डोले होंगे। तो यहाँ पर किचन की सफाई कर लिए हैं, सारा बर्तन पूरा निकाल कर दिए हैं, देखिए। और जमीन पे ढेर सारे कबूतरे हैं यहाँ पर, देखिए बेडशीट हमने निकाल दिया, क्योंकि बेडशीट यूज वही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें रहने पे कुछ ना कुछ बुरी आत्माएं वगैरह क्या पता होता है, मैंने वीडियो दो को देखा था। तो यहाँ चलिए हम सफाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, इसी तरह ब्लॉग में बने रहिएगा। क्या बात है वंदना जी, आज ही रात को घर में चमका दोगी क्या एकदम? धूल मिट्टी तो था, और घर की एकदम साफ सफाई देख सकते हैं। जब घर में दो चार दिन बाद आओ ना, तो कबूतर वगैरह बीट वगैरह कर देते हैं, और रोड का घर है तो सीधा रोड है, धूल मिट्टी उड़ते हैं तो काफ़ी गंदगी हो जाती है, तो वन्ना जी आते ही सफाई में लग जाती है। गांव से आए चाहे घर से आए चाहे कहीं से आए, तो घर की सफाई तुरंत करती हैं। किचन को भी चमका दिया, बर्तन वर्तन सब धुल दिया इन्होंने। तो चलिए वीडियो बने रहिए, फिर मिलाते हैं कुछ देर बाद आप लोगों से। कमरे में जा रहे हैं, कमरे की सफाई करनी है, चादर उठा दो, मिलते हैं आप लोगों से फिर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि रात को हमने घर पर आ गया था और सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन आज नींद एकदम मतलब लेट से खुली है,
और शरीर इतना थकान है, इतना थकान है, बस सोते रहे सोते रहे। तो यहाँ पर देखिए हमने कपड़े वगैरह धुल दिए हैं और नाश्ता पानी हो गए थे, तो अब चल रहे हैं बनाना है खाना। तो नाश्ता के बर्तन भी धुले हैं, अरे धुलना है, नींद में हूँ ऐसा लग रहा है कि और सो जाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा टमाटर एक पाव मंगाया था, मिर्ची मंगाया था, अदरक, क्योंकि हमको जाना है परसों, मेरा टिकट है हरिद्वार और ऋषिकेश और नीलकंठ, और तबीयत सही नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर आज भर में आराम हो जाता है शाम तक तो पैकिंग करेंगे। लेकिन अंदर से एकदम दिल नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि एकदम थके थके लग रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलेगा। चलिए हम यहाँ लंच बना लेते हैं, बनाएंगे दाल और चावल और आलू की भुजिया बनाएंगे। एकदम थका थका शरीर लग रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कुछ दिन ना खूब आराम करें। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस यहाँ दो घड़ी में बज गए हैं, छः बजने वाला है, और यहाँ पर हमारे पतिदेव कर रहे हैं। ऐसा पतिदेव पैकिंग कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पैकिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं घर। अच्छा घर, आप सबको छोड़ के? हमें छोड़ कर क्यों जाओगे, रह लोगी? नहीं, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आप तो छोड़ो, बच्चे भी नहीं रह पाएंगे, रह लोगे तुम लोग मेरे बगैर? क्या मैं चला जाऊंगा एक आध हफ्ते के लिए, तो रह लोगे? नहीं रह, हाँ या ना बोलो जल्दी। आप रह लोगे? क्यों, मम्मी तो रहेगी ना? बच्चों को मम्मी नहीं पापा जरूरी है, मम्मी नहीं पापा, और हमें पति देव जरूरी है। मैं थोड़ा चुड़ैल की तरह लग रही हूँ, क्योंकि बाल हम तो अकेले भी रह लेंगे। आदमियों को पता नहीं क्यों अकेले रहने का मौका करता है, रहने का समझ में नहीं आता है, ज्यादा दिन नहीं रह सकते। तो कपड़े पे रखा जाए, जाओगे घूमने? रखो, शुभ काम में देरी क्यों? लेकिन सोनाक्षी सोच रहे ना लेकर जाऊं। लो भैया टिकट भी निकाल लिए, तो टिकट तुम्हारा कैंसिल कर देंगे ना, तुम परेशान करती हो। मम्मी सपोर्ट नहीं करती, सोनाक्षी के टिकट पे मुझे हटा देना, पता है ये सपोर्ट नहीं करती है, जो कोई काम कहते नहीं सुनती है और दांत पीसती रहती है। और ऐसे गाय कहेगी हम यहाँ फालतू, जब हम मनसा देवी पे चढ़ाई रहेगा तो नहीं चढ़ पाएंगी, ये कहोगी गाड़ी घोड़ा मोटर कर दो, नहीं क्योंकि सोनम बता रही थी कि दीदी अरे वो लिफ्ट लगा रहे थे। नहीं नहीं वो बोली उससे मत जाना, ज्यादा चढ़ाई नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा चढ़ाई तो नहीं है। हाँ तो हम पैदल ही चढ़ेंगे ना, पैदल चढ़ के जाएंगे तभी। और उसके लिए भी जानते हो टोकन लेना पड़ेगा पहले से ही। हाँ। के लिए हम लोग गए थे ना। हाँ तो बता रही थी सोनम की आपको पहले से बुकिंग कराना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, लाइन रहती है। हाँ इसे अच्छा हम जब तक टोकन लोगे तब तक हम लोग चढ़ ही जाएंगे। हम लोग जा रहे थे देखा बहुत लंबी लाइन थी, तो वहाँ का दर्शन करके तो मनसा देवी का दर्शन करना चाहिए। और कौन से घाट पे बोली थी नहाने के लिए, तो कर रही थी कौन सी घाट है? ऋषिकेश में। अरे हरिद्वार में ऐसे थोड़ू ना कोई चीज देखो, जानकारी हर की पौड़ी। हाँ हर की पौड़ी वही नहाया जाता है ना, वहाँ पर विष्णु भगवान नहाए थे। मैं तो गया हूँ एक बार, अब तो पता है मुझे। हर की पौड़ी नहाए थे आप? और क्या, वही तो सब नहाते हैं। हाँ तो वही हमको बताई थी, क्योंकि हम कभी नहीं गए थे तो हमें जानकारी नहीं थी। तो उसको बोली दीदी अगर भगवान आपको बुला रहे हैं तो आप जरूर जाइए, क्योंकि जो हमारी पाप है कुछ हमने किया होगा, पाप तो सब किए रहते हैं, ऐसा कि नहीं कोई किया रहता है। हरिद्वार जा रही है तो गंगा मैया बुला रही है। हाँ तो चलिए यहाँ से ये वाला ब्लॉग एंड करते हैं। हमारी का वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हम भी कपड़े वगैरह रख लेते हैं घूमने फिरने के लिए, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।